जब आप अपनी रिपोजिटरी में अपना कोड अपलोड करते हैं और सेटिंग्स में जाके गिटहब पेजेस पे अपनी वेबसाइट को पब्लिश करते हैं, तो आपकी वेबसाइट का लिंक गिटहब पेजेस की हेडिंग के अंदर शो हो रहा होता है और आप इसको क्लिक करके इजीली अपनी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई और आपकी रिपोजिटरी को ओपन करेगा तो उसके पास ये सेटिंग्स का टैब नहीं होगा। ये सेटिंग्स का टैब सिर्फ और सिर्फ रिपोजिटरी के ओनर के पास होता है। तो अगर किसी को आपके कोड का आउटपुट चेक करना है तो उनको ये लिंक कैसे पता चलेगा? ये लिंक हम अपनी README.md के अंदर ऐड करेंगे। तो हम इस लिंक को कॉपी करेंगे और इस README.md फाइल के ऊपर एक एडिट का बटन होगा, इस एडिट के बटन को क्लिक करेंगे और इस हेडिंग के नीचे हम लिखेंगे दिस वेबसाइट इज पब्लिश्ड एट दिस लोकेशन और फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे। अगेन हमारे पास कमिट चेंजेस के दो टेक्स्ट बॉक्सेस आएंगे। मैं ये डिफॉल्ट मैसेज यूज करूंगी तो इसलिए मैं इसके अंदर कुछ टाइप नहीं करूंगी। अगर आप चाहें तो इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इस केस में अपडेट README.md इज अ मीनिंगफुल मैसेज, तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी और मैं कमिट चेंजेस पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे आपकी रीडमी के अंदर इस वेबसाइट का लिंक अपेयर हो जाएगा। आप इसे क्लिक करें और आपकी वेबसाइट खुल जाएगी। तो ये लिंक रीडमी के अंदर डालना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसके बगैर जो भी आपकी वेबसाइट विजिट करेगा वो सिर्फ कोड देख सकेगा, वो आपकी वेबसाइट ओपन नहीं कर पाएगा।